हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुरेखा निटिंग। फ्रेंड्स, आज हम ये वाली डोरी बनाएंगे। ये डोरी देखिए कितनी प्यारी है, बहुत अच्छी लग रही है, बहुत सुंदर है, बिल्कुल गोल बनी है। सलाई से बनाई है ये मैंने, क्रोशिया से भी बनती है लेकिन मैंने सलाई से बनाई है। और हमारे किसी व्यूअर ने पूछा भी था कि ये डोरी कैसे बनती है हमें बताएं, तो मैं आज इसकी वीडियो अपलोड करने जा रही हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो ये जो डोरी है ये आप बच्चों के जो सॉक्स होती हैं, बूट्स होते हैं, उनमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैंने फ्रॉक में इस्तेमाल किया है और कैप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जहां भी डोरी की आवश्यकता होती है वहीं पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए बनाकर देखते हैं कैसे बनती है ये सिलाई से ये डोरी। इसके लिए सबसे पहले फ्रेंड्स चाहिए हमें टू प्वाइंटेड सिलाई, गला बुनने वाली सिलाई जिसे हम कहते हैं। ये टू पॉइंटेड होती है, दोनों तरफ से देखिए इसमें पॉइंट होते हैं। तो ये वाली सिलाई हमें चाहिए और इस सिलाई में हम डालेंगे तीन फंदे, तो मैं वो तीन फंदे डाल लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने तीन फंदे डाल लिए हैं। अब हमें क्या करना है, अब ये तीनों फंदे हमें सीधे बुनने हैं। ये सीधे बुन लिए, देखिए अब हमने ये सीधे बुन लिए। अब हम सिलाई ऐसे नहीं पलटेंगे, सिलाई ऐसे ही रहने देंगे और ये फंदे खिसका कर यहां पर कर लेंगे दूसरे सिरे पर, और फिर इन्हें सीधे बुनेंगे। धागा देखिए इस किनारे पर है लेकिन फिर भी इन्हें सीधे बुनेंगे ऐसे, तीनों फंदों को सीधे बुनेंगे। ये तीनों फंदे ऐसे ही सीधे सीधे बुनते रहेंगे हम हर बार, फिर इन्हें तीनों को खिसका कर इस किनारे पर कर लेंगे और फिर इन्हें सीधे बुनेंगे। बस हर बार इन्हें सीधे बुनते जाएंगे। उसके बाद फिर इन्हें खिसका कर इधर कर लेंगे, हर बार ऐसे ही करेंगे हम। इन तीनों फंदों का, तीनों फंदों को सीधा बुनेंगे और हर बार खिसका कर इन्हें दूसरे किनारे पर कर लेंगे सिलाई के ऐसे ही करते जाएंगे। जब तक ये अपने लुक में नहीं आ जाएगी मैं तब तक आपको बनाकर दिखा रही हूं। फिर खिसका कर यहां कर लेंगे और फिर इन्हें तीनों को सीधा बुनेंगे। उसके बाद फिर ऐसे ही कर लेंगे। ध्यान से देखिएगा, प्रोसीजर यही है, हर बार इन्हें खिसका के इधर कर लेंगे तीन फंदों को और हर बार इन्हें सीधा बुनेंगे। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, ये देखिए, ये गोल चमक रही है, ये बिल्कुल गोल ही चमकेगी, बहुत खूबसूरत लग रही है, देखिए बिल्कुल गोल है। तो ये प्रोसीजर है इसे बनाने का, बहुत छोटा सा पैटर्न है, बहुत इजी है बनाना, आप इजीली बना सकते हैं। देखिए कितनी प्यारी गोल रस्सी बन रही है, ये रस्सी भी इसे कह सकते हैं, डोरी भी कह सकते हैं आप चाहे जो कहें। तो इस तरह से हमारी ये डोरी बनकर तैयार हो जाएगी। ये मैंने थोड़ा सा मोटा धागा लिया है, ये वाला धागा पतला है, तो मोटे धागे में बिल्कुल क्लियर चमक रही है, खूबसूरत लग रही है। आई होप कि आपको हमारा ये तरीका अच्छा लगा होगा ये डोरी बनाने का, और आपको पसंद भी आया होगा। और यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।